भागलपुर के स्टेशन चौक पर नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेश जमाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नए कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को वापस लिए जाने की मांग केंद्र सरकार से की। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नए कृषि कानून से देश के किसानों की हालत और बदतर हो जाएगी और अडानी अंबानी जैसे व्यापारी घरानों को इससे और फायदा मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके आंदोलन का हिस्सा बनी रहेगी। साथ ही बिहार सरकार के द्वारा नए पुलिस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान पुलिसीय कार्रवाई को लोकतंत्र पर आघात बताते हुए इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यक्रम रखा गया है पूरे बिहार में, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है और आदरणीय राहुल गांधी का निर्णय है। चूंकि जो कानून तीनों काला कानून किसान के खिलाफ में लाया गया, सबसे पहले आवाज आदरणीय राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उठाया। पूरे किसान वहां धरना पर बैठे हैं 4 महीने से ऊपर से, और ये तीनों कानून है क्या? ये कानून ये है कि उनके जमीन को अडानी और अंबानी बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बेचने की साजिश है और उनको मजदूर बनाने की साजिश है। हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे किसान में यह जो आज धरना कार्यक्रम है, पहले भी हम लोगों ने सत्याग्रह पद यात्रा किया है कांग्रेस ने पूरे बिहार में, पूरे देश में, और यहाँ पे धरना के माध्यम से हम यह किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, यह कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ है। उनका तीनों काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही किसान भाइयों के साथ है और काला कानून को वापस करा के देगा। दूसरी बात का धरना हम इसलिए दे रहे हैं, परसों जो जिस विधायक को, जिस प्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है, वह लोकतंत्र का मंदिर है बिहार विधानसभा। वहाँ पे विपक्ष का काम है कि रोजगार नहीं मिल रहा युवकों को, उसकी बात उठाना, जो काला कानून आप ला रहे हैं उसका विरोध करना। अभी आप देखे हैं जो कानून बनाया गया है, किसी भी व्यक्ति को शक पे आप उसको गिरफ्तार कर सकता है, किसी के घर पुलिस जाके सर्च कर सकता है बिना वारंट के। यह बिल्कुल गलत कानून है, यह आम जनता को तंग करने के लिए पैसा ऐंठने का एक साजिश है। हम लोगों ने जब विरोध किया तो पूरे सरकार ने पुलिस को बिहार विधानसभा के अंदर, कभी इतिहास नहीं है आज तक, आज आजादी के बाद से, कि पुलिस को सदन के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर घुसा के सबको ठेल ठेल के पीट पीट के बाहर किया गया। यहाँ तक कि महिला विधायिका को, अनिता जी जो है वो पूर्व मंत्री रही है, उनका जिस तरह से खींच के साड़ी खींचा गया, यह बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हुई है। महिलाओं का, जिस महिला के बिना न तो हम धरती पर आ सकते हैं, न माननीय मुख्यमंत्री आ सकते हैं, न प्रधानमंत्री आ सकते हैं, उस महिला को धक्के मार मार के साड़ी खींच खींच के पुलिसों ने बाहर किया। इसके घोर भर्त्सना करते हैं और जब तक वह जो पदाधिकारी ने हरकत किया, जब तक उसको कार्रवाई नहीं होगा, सरकार नहीं करती, हम लोग सदन का बहिष्कार किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, दूसरे आवाज उठाते रहेंगे सदन से सड़क तक। युवकों को रोजगार अगर नहीं मिलेगा, सरकार नहीं देगी, कल कारखाने खोलने का काम नहीं करेगी, तो हम लोग विरोध सरकार का करते रहेंगे। क्योंकि जनता को हम जानते हैं, जनता पूरे बिहार को जानती है, पूरे सरकार को जान रही है, और अगला चुनाव में इस एनडीए सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लेकिन चंद शब्दों से ये धरना पर बैठे हैं, आगे भी किसान भाइयों के लिए कांग्रेस पार्टी धरना सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते रहेगी। Powered by Mamji Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. ऐसी ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।